हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में नेक्स्ट लेवल पे कि हम किस तरह से सेंटर पॉइंट निकालते हैं और उसको किस तरह से हम यूज़ करके अपने एक सीन में बना सकते हैं। सो आज मैं उसी तरह से अपनी सीरीज़ में पर्सपेक्टिव की नेक्स्ट लेवल पे बात करूँगा, जिससे कि आपको हेल्प मिल पाएगी कि हम किस तरह वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में और डिटेल में काम कर सकते हैं और उसका सही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि एक टेक्निक है जिसको आप अपनी ड्राइंग स्किल्स को एनहांस करने में हेल्प आपको बहुत ज़्यादा मिल सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी आज मैं टाइल्स की बात कर रही हूँ। फर्श के ऊपर टाइल्स होते हैं, उसको हम कैसे ड्राइंग में प्लेस कर सकते हैं, अपने इंटीरियर में कैसे हम प्लेस कर सकते हैं। सो एक छोटा सा मे बी सीन में एक क्रिएट करने की कोशिश कर सकता हूँ इसके अंदर। सो ये मैं अपना एरिया एक डिफाइन कर देता हूँ और इस एरिया में मैं फॉर एग्जांपल ये मैं एक रूम का इंटीरियर का एक शॉट बना रहा हूँ। ये मेरी होराइजन लाइन है लगभग, और ये एक रूम के इनसाइड होगा और यहाँ पर एक हम मे बी इस जगह पे लगभग हम अपनी एक दरवाज़ा दे सकते हैं, डोर, ठीक है। और ये फर्श का एरिया होगा इतना, और यहाँ पे हम इससे थोड़ा सा ऊपर आते हुए एक बेड का शेप दे सकते हैं जिससे कि ये इंटीरियर लगे। ठीक है, ये मेरा बेड आ गया। और इसी तरह से मैं अगर पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो ये लगभग लगभग मेरा वैनिशिंग पॉइंट, लगभग मैं इसको यहाँ तक ले जाता हूँ, ये मेरा वैनिशिंग पॉइंट है। तो उस हिसाब से मेरी सारी चीज़ें काम करेंगी। ये वैनिशिंग पॉइंट से इसकी जो डेप्थ है वो कहाँ तक आएगी हमारे बेड की, वो यहाँ से यहाँ तक हो गई। और इसी तरह से इसकी सेकंड लाइन जो इसके साइड का एरिया और टॉप पार्ट, वो लगभग ऐसे आ सकता है। तो अभी मैं बहुत बेसिक स्ट्रक्चर से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा मैं लाइट करूँगा काम, जिससे कि आपको पता लगे कि हम कैसे अपनी ड्राइंग को बेटर कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू। ठीक है, तो अभी ये बहुत रफ ड्राइंग में बना रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं मेरे मे बी मेरे दरवाजे से लेके यहाँ से इसके लगभग मेरी एक ये लाइन लाते हुए लगभग इसके अंदर से यहाँ से पार्ट दूसरी लाइन इसके मैं यहाँ से ले आता हूँ, जो कि मेरे टाइल का एरिया होगा। ये जो एरिया होगा ये आपको दिख रहा है, तो ये मेरे टाइल का एरिया होगा। और इसकी सेंटर लाइन की अगर बात करूँ तो इसकी सेंटर लाइन क्या होगी, हमारी सेंटर पॉइंट ये होगा। ठीक है, और इसके टाइल को अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ से यहाँ तक, और इसकी चौड़ाई थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ, तो टाइल थोड़ा लगभग इतना बड़ा होगा। और इसका अगर सेंटर पॉइंट बिल्कुल देखा जाए वो कहाँ होगा, बिल्कुल यहाँ, ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, सो इस पॉइंट से अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट तक जो मेरे इसके आगे के टाइल्स होंगे वो मैं कैसे लेकर जाऊंगा, वो इस पॉइंट से जो इसका कॉर्नर है, इस पॉइंट से और उस दूसरे पॉइंट तक कनेक्ट होते हुए एक लाइन सीधी जो मेरी होती हुई जाएगी, जो मेरी ये लाइन है यहाँ से कनेक्ट होती हुई जाएगी ये यहाँ तक। ठीक है, तो यानी कि यहाँ तक का एरिया मतलब ये कि दूसरा जो टाइल है ये मेरा यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा टाइल है, उसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा,
नेक्स्ट लेवल का। तो ये मेरा एक पॉइंट है और ये मेरा दूसरा पॉइंट है, तो इसका सेंटर पॉइंट और सेंटर पॉइंट से होती हुई एक मेरी लाइन जा रही है, यहाँ से कनेक्ट होती हुई दूसरी, तो ये मेरा तीसरा टाइल मेरा लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ आने के बाद ये हमारा कॉर्नर से मिल जाएगा, तो ये हमारा ऐसे सेंटर पॉइंट यहाँ से, इस तरह से हमारे 3 से 4 टाइल बन जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ क्योंकि ये बैट के नीचे से निकल के आ रहा है, तो वो पार्ट हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। सो ये हमारा एक टाइल का एक एरिया बन गया है, ठीक है। और इसको हम इसी तरह से हम जो है नेक्स्ट लेवल पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमको इस वैनिशिंग पॉइंट से इस वैनिशिंग पॉइंट तक कनेक्ट करना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट वैनिशिंग पॉइंट तक कनेक्ट करना है, तो हम इस तरह से बाकी के टाइल्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के टाइल्स को कैसे, जैसे कि ये मेरी स्ट्रेट लाइन तो जा रही है यहाँ तक, और ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, और एक ये लाइन भी मेरी स्ट्रेट जा रही है यहाँ तक। लेकिन इसकी जो 1 पॉइंट परसेक्टिव का एंगल की लाइन है कि हमारा एक एक टाइल का साइज क्या क्या होगा वो डिफाइन हो रहा है, ठीक है। ये तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरा ये इस तरह से मेरे जो है एक जो मेरा फर्श है उसके टाइल में, तो इसको कोशिश कीजिएगा कि हमारी स्ट्रेट लाइंस आए। तो ये मेरी पेंसिल थोड़ी सी मोटी है, मैं 6B यूज़ कर रहा हूँ, तो आप कोशिश कीजिए कि आप पतली पेंसिल से करेंगे तो, और बड़ा बनाएंगे तो आपको जो है हेल्प ज़्यादा मिल पाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिफाइन कर, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा बाहर का एरिया है, और बाहर के एरिया जैसे बाहर का आंगन हो गया और गैलरी हो गई, और गैलरी हमारी यहाँ से यहाँ, और उसके ऊपर उसमें कुछ इस तरह से हम लगा देते हैं कि हमारा बाहर का गैलरी का एरिया, और फिर उसका खड़े होने की जगह ये मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा विजिबल हो सके, और ये पार्ट भी मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ, ठीक है। और तो ये हमारा गैलरी का एरिया हो गया, और गैलरी के एरिया में भी हम मे बी थोड़े से इस तरह के मे बी टेक्सचर दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमारा होराइज़न यहाँ तक हम बात कर रहे थे, तो होराइज़न के ऊपर जैसे यहाँ पे थोड़े से हिल्स पहाड़ मैं दे सकता हूँ, यहाँ थोड़ा सा पानी मे बी बाहर ये बना सकते हैं, और मे बी ये दरवाज़ा मेरा मान लीजिए यहाँ तक है, तो ये मेरा पूरा दरवाजे का एरिया हो गया। और इसी तरह से मेरा एक हम पीछे कुछ पर्दा डाल सकते हैं यहाँ मे बी ऐसे, हमारे बैठ के यहाँ तक जा रहा है, इस तरह से मैं पर्दे को भी लटका सकता हूँ, ठीक है। और हमारे बेड का एरिया जैसे मे बी हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ कपड़ा डाल सकते हैं इस तरह से, और इसको थोड़ा सा ऐसे डिफाइन कर सकते हैं,
कि यहाँ से यहाँ तक इस पे कपड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस तरह से हमारा एक सीन डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। और अल्टीमेटली हमें जो है जो हमारे टाइल्स मिले हैं उसको बहुत ध्यान से आपको पर्सपेक्टिव का अंदाज़ा लगा कि हमारा वैनिशिंग पॉइंट कहाँ होगा, उसके हिसाब से हमारी सारी चीज़ें उसमें बनाई जाएंगी, ठीक है। सो अगर टाइल्स की मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा चौड़ा हो गया, तो मैं थोड़ा सा उसको पतला कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे इसका दूसरा एरिया जो है वो आगे तक जा रहा है, ठीक है। इस तरह से अभी मैंने इसका सेंटर पॉइंट लिया था, तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा कम भी बाद में कर सकते हैं हमको लग रहा है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि मैं शेड कर दूँ, और शेडिंग जो है वो मेरे कुछ इस तरह की जो इस एंगल में जा रहा है टाइल्स उनमें होगी तो बेटर रहेगा, ठीक है। और एक छोड़ के दूसरे में तो मैं उसी तरह से इसमें अभी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ, बस इसको थोड़ा सा एक शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सीन को, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये एक थंबनेल ड्राइंग है और बहुत बड़ी नहीं है, बस एक अंदाज़ा लेने के लिए कि हमारे टाइल्स का शेप क्या हो सकता है। और हमने इस तरह से सेंटर पॉइंट लेके बाद में हम सोच रहे किया कि ये हमारा जो है टाइल छोटे भी हम कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग डील, तो ये हमने छोटे भी कर दिए, तो दैट्स फाइन। बाद में हम अपनी चीज़ों को हिला डुला सकते हैं और उन चीज़ों से और ज़्यादा चीज़ें भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए। इफ़ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ओवर कमेंट और डायरेक्टली कनेक्ट विद मी। सो थैंक यू सो मच।